बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहा भाई पार्टी मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती। पंकज जी को प्रॉपर्टी मत मांगो जानकर साहब, पर राजकीय पूरा मेरा वारिस आप है। ये प्यार उन्होंने दिया, क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा लड़का जो गरीब घर में पैदा हुआ है, सपना देखता है इस देश का नेतृत्व करने का, क्या बुरा है? हमारा भी तो नेता ऐसा ही है। हमारे नेता एक चाय वाले के घर में पैदा हुए, खुद चाय बेचते बेचते बने कि नहीं देश के प्रधानमंत्री, क्या बुरी बात है? हमें या तो पिता सपना देखना सिखाता है या नेता सपना देखता है। मेरे पिता ने भी मुझे यही सपना दिखाया कि बड़ा सपना देखो छोटे लोगों के लिए, अपने बड़प्पन के लिए नहीं। और आज मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं हजार बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो हजार नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ, मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ, मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ। वो बोल रहे हैं मैं लड़ती रहती हूँ, सही है कि मेरे लिए तो ये मेरा मायका है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं आज उन। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहा भाई पार्टी मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है। पर जरूर जब मुंडे साहब थे तब छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ताकत बनाई, एक मुट्ठी बनाई, तभी तो सरकार का मुंह देख पाए। ये इतना आसान नहीं था।